मेरे घर का मेन एंट्रेंस सीधा लिविंग रूम में खुलता है। ये है मेरा मेन डोर, इसके ऊपर मैंने कुछ ऐसी डेकोरेशन क्रिएट की है। DIY किया हुआ एक वॉल हैंगिंग लगाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिटेल वीडियो ज़रूर चेकआउट करिएगा। यहीं पर लगाई हुई है एक कर्टेन भी, जिससे जब डोर ओपन हो तो अगर हमें ज़रूरत हो तो हम इसे डाल दें। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारा सा कोहेसिव लुक क्रिएट करता है। साथ में आ जाता है मेरा छोटा सा की स्टेशन, यहाँ पर है एक DIY किया हुआ की होल्डर। की होल्डर के जस्ट नीचे रखा है एक छोटा सा शू कैबिनेट, जिसके ऊपर मैंने एक इस तरीके का रनर डाला है। इसे मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और रखा है एक छोटा सा DIY किया हुआ प्लांटर, उसमें लगाया है मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर का एक बंच। साथ में रखे हैं इस तरीके से ये लाफिंग बुद्धा, जो कि एक कांच के ग्लास के ऊपर मैंने रख दिए हैं, तो बहुत ही प्यारा सा लुक क्रिएट होता है। और यहाँ पर हैं सारे ही जो एसेंशियल्स हैं जब हम बाहर से आते हैं, तो सैनिटाइजेशन स्प्रे यहाँ पर रखी हैं। ये मेरी DIY की हुई एक बास्केट है, जिसे काफ़ी टाइम पहले आप लोगों ने मेरे किचन टूर वीडियो में देखा होगा। यहाँ पर मैंने कुछ अपनी DIY की हुई बॉटल आर्ट्स रखी हैं, और उनमें मैंने मनी प्लांट और कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स को रखा है। तो अंदर से इस कॉर्नर का लुक कुछ ऐसा दिखता है, जो बहुत पसंद आता है मुझे। और इसी के साथ में जो ये वाली वॉल है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने वॉल आर्ट्स को हैंग किया है। कुछ पेंटिंग्स मैंने पेंट की थी, कुछ सामान गिफ्टेड है, और कुछ दिवाली का डेकोरेशन आइटम है जो मेरे बच्चों को पसंद है, तो वो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। जब भी आपके पास अलग अलग तरीके के डेकोरेटिव आइटम हो, पेंटिंग्स हो, तो आप उन्हें इस तरीके से वॉल पे एक कोलाज के रूप में हैंग कीजिए। बहुत ही प्यारा सा लुक अपीयर होता है और सारी ही चीज़ें यूज़ में आ जाती हैं। इस वॉल के जस्ट नीचे काफ़ी सारा स्पेस था, तो उसे यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर क्रिएट किया फ्लोर सीटिंग अरेंजमेंट। मैट्रेसेस को डालकर उसके ऊपर बेडशीट लगा दी और कुछ कुशंस रख दिए, तो एप्रोप्रिएट है इस फेस्टिवल के लिए। कलर कॉम्बिनेशन जस्ट अमेजिंग है और बहुत ही आई सूदिंग लगता है। ज़रूरी नहीं होता कि हर बार आप अपने घर को नए फर्नीचर से ही डेकोरेट करें, इस तरीके की आइडिया लगाकर भी आप नया लुक क्रिएट कर सकते हैं। आइए चलते हैं मेन डोर के दूसरी तरफ। मेन डोर के जस्ट पास में ही मैंने दो इस तरीके की एलिफेंट डोर हैंगिंग्स लगाई हैं, जो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल फेस्टिवल के लिए जस्ट परफेक्ट हैं। कई सारे कलर हैं इसमें, जो बहुत ही अमेजिंग बनाता है इनको। यहाँ पर आ जाता है मेरा टीवी, जिसे हमने वॉल पे हैंग किया है, और उसके आसपास में डेकोरेशन की है। जो भी चीज़ें हैं वो मेरी DIY की हुई लगाई हुई हैं मैंने यहाँ पर, तो इसलिए ये चीज़ें मेरी फेवरेट हैं। टीवी के जस्ट नीचे मैंने एक टेबल डालकर उसके ऊपर रनर लगाया है, और उस पर कुछ टिन कैन को पेंट करके उनमें आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा दिए हैं। स्पीकर एक रखा है, और उसके ऊपर मैंने अपने छोटे से क्यूट से बुद्धा रखे हुए हैं। टेबल के जस्ट नीचे मैंने इस तरीके का एक आर्टिफिशियल लोटस फ्लावर रखा है, और इसमें कुछ फेरी लाइट्स डाल दी हैं। टीवी से आगे बढ़ते ही ये एक कॉर्नर है, यहाँ पर रखा है एक स्टूल, और उसके ऊपर है वाईफाई सिस्टम और एक टेबल लैंप।
और एक छोटा सा कैंडल होल्डर। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस कॉर्नर को डेकोरेट किया है। एंड इस कॉर्नर के जस्ट ऊपर वाले पार्ट पे मैंने कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स को हैंग करके एक कंप्लीट लुक प्रोवाइड करने की कोशिश की है। यहाँ से आगे बढ़ते ही आ जाती है एक विंडो और उसके ऊपर मैंने कर्टेंस को कुछ कैनोपी स्टाइल में लगाया है क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है स्टाइल। कलर कॉम्बिनेशन सावन के अकॉर्डिंग ही रखा है तो बहुत ही प्यारा सा लगता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते ही आ जाते हैं मेरे दो सिंगल सीटर काउचेस। इन्हें मैंने यहाँ पर प्लेस किया है। इनके ऊपर वाली वॉल पे मैंने DIY किए हुए कुछ आर्ट्स लगाए हैं और एक फोटो फ्रेम। काउचेस को मैंने बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश की है। कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ही ग्रीन कलर के कवर्स लगाए हैं इन कुशंस के ऊपर तो बहुत कोहेसिव सा लुक क्रिएट हो जाता है। यहाँ से आगे बढ़ते ही अगेन एक विंडो है और उसे भी मैंने सेम पैटर्न में ही कर्टेन से सजाया है। और उसके पास में रखा हुआ है एक छोटा सा बुक शेल्फ जिसके ऊपर मैंने लगाए हैं अपने हाथों से बनाए हुए कुछ आर्टिफैक्ट्स। जो भी चीज़ें मैंने बनाई हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। सारी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो डेफिनेटली आप उन्हें भी चेकआउट करिएगा। बुक शेल्फ के टॉप वाले पार्ट को मैंने कुछ ऐसे डेकोरेट किया है। बुद्धा रखे हैं, कैंडल रखी है, आर्टिफिशियल प्लांट रखा है और मेरी DIY की हुई कुछ बॉटल आर्ट्स। नीचे वाले पार्ट में मैंने अगेन अपने DIY से ही इसको सजाया है। ये है बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी एक प्लेट पेंटिंग जो हमारे रक्षाबंधन फेस्टिवल के लिए जस्ट परफेक्ट है। रिसेंटली ही मैंने इसका वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पे। सारी ही चीज़ों को मैंने सिंपल और एक मिनिमलिस्टिक लुक प्रोवाइड करने की कोशिश की है जिससे फेस्टिवल के टाइम पे हमें अट्रैक्टिव तो लगे ही ये चीज़ें, साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग में भी हमें ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े। लिविंग रूम में जब एंटर करें तो सबसे पहले हमें यही लुक देखने को मिलता है तो बहुत अट्रैक्टिव और आई सूदिंग है और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। इससे आगे बढ़ते ही मेरा 3-सीटर काउच आ जाता है और उसके ऊपर मैंने कुछ इस तरीके से कुशंस को अरेंज किया है। प्रिंटेड कुशन कवर्स के साथ में प्लेन कुशन कवर्स का कॉम्बिनेशन रखा है और इसी के साथ में एक थ्रो पिलो ऐड किया है जिससे इस काउच का कंप्लीट लुक इन्हेंस हो गया। सारी ही चीज़ें कंफर्टेबल होने के साथ साथ एक एलिगेंस भी ऐड करती हैं हमारे लिविंग रूम के एनवायरनमेंट में।
काउच के ऊपर वाली वॉल पे अगेन मेरे DIY किए हुए कुछ वॉल आर्ट्स लगे हैं और एक लिपन आर्ट लगी है। तो ये चीज़ें बहुत सिंपल और सोबर सी हैं, बट हमारे फेस्टिवल के लिए जस्ट एप्रोप्रिएट हैं। काउच के साइड में कॉर्नर पर ही रखा हुआ है मेरा DIY किया हुआ फ्लोर लैम्प। इसके लैम्प शेड को मैंने खुद ही DIY किया था एंड इसका वीडियो ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो ज़्यादातर चीज़ें आपको मेरे लिविंग रूम में मेरी DIY की हुई ही मिलेंगी और जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आती हैं। डोमिनेंट कलर्स के साथ में मैंने कुछ पॉपअप कलर्स का भी यूज़ किया है, जिससे लिविंग रूम का लुक बहुत अच्छे से इन्हेंस होकर आया है। लिविंग रूम के जस्ट सेंटर में ही लगाई हुई है मैंने अपनी सेंटर टेबल और उसके ऊपर डाला हुआ है इस तरीके का एक रनर और उसके ऊपर रखी हुई है मेरी DIY की हुई एक ट्रे, जिसमें मैंने कुछ बुक्स रखी हैं और एक DIY किया हुआ ही एक छोटा सा क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र जिसके अंदर मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे हुए हैं। सारी ही चीज़ें इस तरीके से मैंने अरेंज की है जिससे कि इनका लुक अट्रैक्टिव और एक सूदिंग सा अपीयरेंस क्रिएट करे। आप भी इस तरीके से अपने लिविंग रूम को डेकोरेट कर सकते हैं। फ्लोर पे मैंने डाला है इस तरीके का एक रग या कारपेट। इस कलर को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं और चीज़ें जल्दी गंदी हो जाती हैं, तो ये रग अगर रहेगा तो ज़्यादा जल्दी से फ्लोर गंदा नहीं होगा। और अब इन्जॉय कीजिए आप एक नाइट लुक मेरे लिविंग रूम का। मेरा घर तो रक्षाबंधन के लिए रेडी हो चुका है और आप भी अपने घर को इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। जो भी चीज़ें पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सो फ्रेंड, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से आऊँगी। टिल देन टेक केयर, इन्जॉय एंड हैप्पी रक्षाबंधन।